हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग बच्चों। इससे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने बात की थी बल तथा गति के नियम के बारे में, और आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। देखिए स्टूडेंट, इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि पृथ्वी में एक बल है जिस बल के कारण वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशनल के कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। उन्होंने देखा कि एक दिन वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, दिन में आराम कर रहे थे, तो सेब नीचे की ओर गिरा। उन्हें आभास हुआ कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी गिर सकता था, नीचे ही क्यों गिरा, या नीचे या पृथ्वी में एक कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके कारण ये सेब नीचे की ओर गिरा। तो उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए कई ऑब्जेक्ट पर, और उन्होंने देखा कि हर बार किसी चीज़ को ऊपर उछालने पर वो नीचे ही आती है। तो इसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी में एक बल है, जो बल वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, कणों के बीच, ऑब्जेक्ट के बीच या पार्टिकल के बीच कार्य करने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम ऊपर की ओर उछालें, कुछ समय बाद वह नीचे की ओर ही आ जाता है, या पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, चाहे वो नदियों में हो, समुद्र में हो, या जब आप पानी का नल खोलते हैं फिर भी वो नीचे की ओर बहता है। इसका कारण है कि पृथ्वी में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण वो वस्तुओं को नीचे की ओर आकर्षित करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और देखिए स्टूडेंट, ग्रेविटेशन फोर्स एक वीक फोर्स होता है और एक फंडामेंटल फोर्स है। मुख्य रूप से चार मूल बल होते हैं, जिसमें से ग्रेविटेशन फोर्स आपका, दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दो और बल होते हैं जो प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय बल, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत द्रव्यमान वाले पिंड संबंध ना हो। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक शब्द आया है यूनिवर्सल या सार्वत्रिक, जिसका मतलब है कि सब जगह ये नियम पूरे विश्व में लागू होता है। भारत में भी, जर्मनी में भी, चीन में भी, हर जगह ये नियम लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया। उन्होंने बोला कि हमारे पास माना कोई दो पिंड हैं ए और बी, इस प्रकार से हम इनको मान लें, और माना इनके द्रव्यमान क्रमशः एम वन और एम टू हैं, तथा इनके बीच की दूरी आर है, यह एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कार्य करता है वो इन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के, द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल आर के स्क्वायर के इनवर्जली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्जली मतलब अपॉन में होता है, बटे में होता है, 1/r² होता है। तो देखिए स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, माना दो पिंड ए और बी हैं, इनके द्रव्यमान क्रमशः एम वन और एम टू हैं, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हम जानते हैं कि इनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान M1 और M2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यदि फोर्स बढ़ रहा है तो इनके बीच प्रोडक्ट ऑफ मास भी बढ़ेगा, फोर्स घट रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ मास भी घटेगा। फिर इन्होंने बोला कि तथा इनके बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी आर के स्क्वायर के इनवर्जली प्रोपोर्शनल होती है,
इन्वर्सली का मतलब है कि यदि फोर्स बढ़ रहा है तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस घटेगी, और यदि फोर्स घट रहा है तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बढ़ेगी। इसी को बोला जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा समीकरण एक और दो से, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, हमेशा इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहाँ पर हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो करते हैं एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जहाँ पर कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक बोला जाता है, और इस जी की वैल्यू होती है बच्चों एम वन एम टू तो द्रव्यमान है, आर दूरी है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट तो न्यूटन होती है आप जानते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन प्राप्त होगी। अब यदि हमें यहाँ पर से इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे, इसका बट्टा वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स कि ये हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, किसकी यूनिट निकाल लें कैपिटल जी की, तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर है डिस्टेंस, अपॉन मास की किलोग्राम, तो दो मास है किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो इसलिए हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। इस प्रकार से ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पिंड हैं ए और बी, जिनके द्रव्यमान एम वन एम टू हैं, इनके बीच की दूरी आर है, तो दोनों पिंडों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों से हमने ये रिजल्ट निकाला एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। अब यहाँ पर से मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस कांस्टेंट की यूनिट निकालोगे, तो इसका बट्टा एक मान लिया यहाँ पर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कैपिटल जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, एफ यानी कि फोर्स की न्यूटन जानते ही हैं, डिस्टेंस की मीटर, मीटर स्क्वायर किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए जहाँ पर एफ फोर्स को बता रहा है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, एम वन एम टू मासेस को, और आर रेडियस को, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला, हमें पृथ्वी से बाधे रखने वाला बल, क्योंकि दो पिंडों के बीच कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी का जो सूर्य केंद्र में स्थित होता है तथा सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। दूसरा, हम जानते हैं कि उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, क्योंकि पृथ्वी ग्रह है और इसके चारों ओर इसका चंद्रमा चक्कर लगाएगा, तो ग्रहों मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और सन सेंटर पे होता है, इसके चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, क्योंकि दो पिंडों का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक सन हो गया, फिर ये यहाँ पे प्लेनेट हो गए, यहाँ पे आपका अर्थ हो गई, यहाँ पे मास हो गया, और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार और भाटा का, यानी कि समुद्र तल में पृथ्वी का जल स्तर नीचे बढ़ना फिर ऊपर जाना, यही ज्वार और भाटा कहलाता है। अब बात करते हैं मुक्त पतन की।
देखिए स्टूडेंट, हमने बात की है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जाए नीचे की ओर गिर रही है, तो यहाँ इसकी गति की दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें वेग परिवर्तन अवश्य होगा और वेग परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं। तो कुल मिला के जब वेग परिवर्तन नीचे की ओर हो रहा हो तो उसे मुक्त पतन के नाम से जाना जाता है, और जब गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण कार्य करता है उसे गुरुत्वीय त्वरण या स्मॉल जी के नाम से जाना जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, कल की क्लास में मैं आपको जब स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच रिलेशन बताऊंगा, तब मैं आपको यहाँ पर स्मॉल जी की मान कैसे निकालते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बारे में आपको कल समझाऊंगा इस प्रकार से। और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका प्रीवियस क्लासेस को ध्यान में रखते हुए आप जानते हैं कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, और आपकी हायर क्लासेस को ध्यान में रखते हुए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप 11th में पढ़ेंगे फिजिक्स तो ग्रेविटेशन आपका एक पूरा चैप्टर है, वहाँ पर आपको पूरी और ब्रीफ में चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से हमने बोला कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं फिर भी वो नीचे की ओर आती है, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। लेकिन स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से फेंकें कि वो फिर कभी वापस ही ना आए वो ऑब्जेक्ट लौटकर, तो उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग बोला जाता है, VE एस्केप वेलोसिटी। और यहाँ पर इस पलायन वेग की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि इस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हम यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकें तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है और फिर लौटकर नहीं आता है, इसे ही एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और फिर जब हम बात करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में, तो मैं अभी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि एफ इजकल टू कैपिटल जी m1 m2 upon r² होता है। देखिए स्टूडेंट, इस m1 m2 की जगह पे आप me और mb ले सकते हैं अपॉन r², जहाँ me मास ऑफ अर्थ को बताता है और m बताता है मास ऑफ बॉडी यानी कि पिंड के द्रव्यमान को। me यानी कि मास ऑफ अर्थ को बताएगा पृथ्वी की त्रिज्या, मास ऑफ अर्थ पृथ्वी के द्रव्यमान को बताएगा, और जबकि m बताएगा आपका मास ऑफ बॉडी किसी पिंड के द्रव्यमान के बारे में। यानी कि मान लिया जाए हमने दो पिंड, एक पृथ्वी मान ली और एक कोई वस्तु मान, तो एक ऑब्जेक्ट की मास हो जाएगा और ये m ही हो जाएगा मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये एफ इजकल टू m e m g m e m upon r² है। gmem क्योंकि g तो कांस्टेंट है ही है आपका। अब देखिए एफ इजकल टू gmem upon r². अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि एफ एक प्रकार का फोर्स है और एक प्रकार का गुरुत्वीय बल है, तो गुरुत्वीय बल को हम m into g लिख सकते हैं, क्योंकि f इजकल टू m into a होता है जो फोर्स पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे ये फोर्स किसके कारण होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, अभी तो हमने बात की, तो m into g, इसको हमने लिख दिया m into g बराबर g m e m upon r². अब देखिए स्टूडेंट, ये m और इधर का ये बराबर हैं, तो ये समान जब होती हैं राशियाँ एक दूसरे के बराबर में होती हैं तो कट जाती हैं, तो हमारे पास बचा g m e upon r². अब यहाँ से हमें स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन निकालना है, तो g = gme upon r², यही रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।